जैन दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। एक नोटिस यहां पर आया है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से, ये अतिथि शिक्षकों के विषय में ये नोटिस है। क्या देखिएगा, विषय इसका दिया गया कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निर्वाचन कार्य हेतु न लिए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, ये जो है महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि उपर्युक्त विषय अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवा स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई। उक्त तिथि के पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इनको कोई मानदेय भुगतान नहीं दिया जाएगा। अतः निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाए तथा यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो कृपया उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगाई जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद क्या है देखिएगा, आयुक्त द्वारा अनुमोदित है यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय, और ये जो है देखिएगा यहाँ पर पूरा ये दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के विषय में एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएँ जो निर्वाचन कार्य हेतु ना लिए जाने के संबंध में नोटिस दिया गया है और इनकी सेवाएं अब जो है 30 अप्रैल तक ही मान्य की गई हैं, और उसके बाद तिथि के पश्चात शिक्षकों को कोई भी वेतन भी नहीं दिया जाएगा। ये जो है महत्वपूर्ण खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।